हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है आहार पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए ये माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अनिवार्य है। और ऐसा मत सोचिएगा कि इसका नहीं देंगे एग्ज़ाम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ग्रेड मिलेगा। मान लो मार्कशीट पर ग्रेड सही नहीं है तो उसकी जो है वैल्यू जानते हो किस तरह से रहती है। तो आपको एग्ज़ाम देना है और बहुत आसान सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले भी मैंने दो लेक्चर इस टॉपिक पे ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का क्या कहलाती है? देखो, ये एक बार जो हम करते हैं भोजन उसको तो भोजन कहते हैं। बैलेंस्ड जो फूड होता है उसका मतलब जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें सभी प्रकार के तत्व, जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स, जिनकी जितनी आवश्यकता अगर उतनी ही मात्रा में है तो उसको संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन दिन भर में जितने बार हम भोजन ग्रहण करते हैं पूरा टोटल मिला के उसको हम बोलते हैं आहार। क्या बोलते हैं? आहार। निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है? आहार नियोजन, पारिवारिक बजट के अनुरूप भोजन पर व्यय करना, परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, परिवार के सभी सदस्यों की आहार संबंधी रुचियों को संतुष्ट करना, ये सभी आहार नियोजन के उद्देश्य हैं। संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संतुलित मतलब बैलेंस्ड और पौष्टिक आहार फूड के लिए क्या आवश्यक है? घर से बाहर भोजन ग्रहण करें, ये तो गलत है। स्वादिष्ट भोजन एवं व्यंजन बनाना, ये भी नहीं। आहार नियोजन करना, ये बात एकदम सही है। आहार नियोजन से क्या होता है, ऊपर आप उद्देश्य देखे ही हो, उसमें संतुलित आहार आता है, पौष्टिक आहार आता है, ठीक है, और सभी व्यक्तियों को, परिवार के सभी व्यक्तियों को उनकी रुचियों को संतुष्ट करना आहार संबंधी, यही आदि उद्देश्य होता है आहार नियोजन का। महंगे भोज्य पदार्थ खरीदना, ये सब बेकार के ऑप्शन आपको रखे मिलेंगे ऐसे ही। निम्न में से कौन सी पोषण की स्थितियां हैं? पोषण की स्थितियां, सुपोषण, कुपोषण। कुपोषण मतलब डिफिशियंसी भोजन की, मिनरल डिफिशियंसी या प्रोटीन डिफिशियंसी जो लोगों में हो जाती है उसको बोलते हैं। तो ये सुपोषण और कुपोषण दोनों क्या है? पोषण की स्थितियां हैं। ये सुपोषण ऐसी स्थिति है कि पोषण जो मिल रहा है व्यक्ति को वो समृद्ध है, उसमें सारी चीज़ें हैं। कुपोषण मतलब उसमें प्रोटीन, विटामिन, किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये दो विशेष प्रकार की स्थितियां हैं पोषण की। तो ये ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है? पोषक तत्व जो होते हैं इनको मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया? तो पोषक तत्वों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आहार में पोषक तत्वों की आवश्यकता आवश्यक मात्रा के समावेशन का सरल एवं व्यावहारिक उपाय है, क्या है? तो निर्धारित भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ का चयन करना, यही जो है इसका सरल और व्यावहारिक उपाय है। निर्धारित भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ का चयन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट का शरीर की वृद्धि एवं जो कार्बोहाइड्रेट है क्या कार्य करता है? शरीर के अंदर शरीर की वृद्धि एवं विकास में योगदान करता है, शरीर की ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, शरीर के रख रखाव में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, मैनोज है, ठीक है, राइबोज है, राइबुलोज है, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेनली ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। बाकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास में मेन रूप से प्रोटीन है और विटामिन्स का भी योगदान रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये विकसित होती है हमारे इम्यून सिस्टम से, उसमें भी प्रोटीन और विटामिन्स का योगदान रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली ऊर्जा प्रदान करते हैं। वनस्पतियों में विद्यमान क्लोरोफिल से
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो आप सबको पता ही है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। अनुकूलतम पोषण किसे कहते हैं? जो स्वस्थ रखे, जो ऊर्जा दे, जो शक्ति प्रदान करे, ये सभी किसके लक्षण हैं? अनुकूलतम पोषण के हैं। सुदृढ़ एवं सुसंगठित मांसपेशियों का होने की वजह होती है। अगर आपकी मांसपेशियाँ सुदृढ़ हैं, ठीक है, सुसंगठित हैं, एकदम फिट हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? अपूर्ण प्रोटीन, अनुकूलतम आहार, हल्का आहार या तरल आहार। तो जो अनुकूलतम आहार लेता है उसका, उसकी मांसपेशियाँ, उसकी बोन्स जो हैं, हड्डियाँ, वो सब फिट रहती हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है। शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा उचित व उत्तम आहार लेने से? उचित व उत्तम आहार जब लोगे आप, तो उसका प्रभाव क्या होगा बॉडी में? उसका प्रभाव क्या होगा? स्वस्थ रहोगे आप। व्यक्ति बीमार रहेगा? ऐसा तो होगा नहीं। जब आप परफेक्ट फूड ले रहे हो तो बीमार कैसे होगी? अक्रियाशील ये भी गलत है, क्योंकि क्रियाशील रहेगा व्यक्ति, असंतुष्ट रहेगा। जब आप उचित और उत्तम आहार लोगे तो असंतुष्ट क्यों होगे? संतुष्ट रहोगे और स्वस्थ रहोगे। सूखी त्वचा, दाने, दुबलापन, अस्वस्थ, यह सब लक्षण है। किसके लक्षण हैं? असंतुलित आहार, अनुकूलित आहार, कुशल आहार या अपूर्ण आहार। अगर कोई व्यक्ति अपूर्ण आहार ले रहा है, उसमें सभी मात्राएं, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, ये सब चीज़ों की अगर पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो उसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अपर्याप्त पोषण में किस पोषक तत्व की कमी होती है? प्रोटीन, वसा, कैलोरी, ये तीनों चीज़ें कमी होती हैं जो अपर्याप्त पोषण होता है। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं अपर्याप्त भोजन करने से? अगर अपर्याप्त भोजन कोई कर रहा है तो उसकी छाती दुर्बल होगी, पेट आगे की ओर लटक जाएगा और मुड़े हुए कंधे, ये लक्षण होते हैं अपर्याप्त भोजन करने वाले व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 15, अपोषण क्या है? शरीर के वृद्धि, असंतुलित होना, खुशहाल रहना, स्वस्थ रहना, विकास, संतुलित होना। तो अपोषण है, अगर अपोषण का मतलब होता है शरीर की वृद्धि, असंतुलित होना। क्वाशियोरकार रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकार और मरासमस, ये दो डिजीज़ हैं, तो ये किसके कारण होता है? क्वाशियोरकार मेनली प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशियोरकार हो जाएगा। शरीर कमजोरी, अक्रियाशीलता, आलस्य, यह सब उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? बैक्टीरिया, अस्वास्थ्य या फिर वायरस या रोग, ये रोगों से उत्पन्न होते हैं। जब रोग होगा व्यक्ति को, तो वो अक्रियाशीलता उसमें देखने को मिलेगी, वो इतना क्रियाशील, एक्टिविटी नहीं रहेगी, एक्टिव नहीं रहेगा इतना, आलस्य घेरे रहेगा, शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी। भोजन में पौष्टिक तत्व की कमी, न्यून मात्रा, गुड़ रहित आहार कैसा आहार है? मतलब पौष्टिक तत्व की कमी है, न्यून मात्रा है और गुड़ रहित आहार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपर्याप्त आहार। आहार आयोजन करना है, मूल्य है, कला है, रचना है या संस्थान है? तो ये कला है एक प्रकार की। भोजन का स्तर निर्भर नहीं है धन पर, पूर्ण जानकारी पर या व्यवस्था पर या इसमें से सभी। तो भोजन का जो मूल्य है, स्तर है, भोजन का स्तर, वो किस पर निर्भर नहीं करता है? व्यवस्था पर। रात्रि का आहार होना चाहिए हल्का भोजन, भारी भोजन, स्वादिष्ट भोजन या तरल भोजन। तो रात्रि का जो हमारा आहार है वो कैसा होना चाहिए? रात्रि का आहार हल्का होना चाहिए, हल्का भोजन। पनीर, दूध, छाछ, रबड़ी, यह सब उदाहरण हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट। तो आप सबको पता है इसमें मेन रूप से क्या मिलता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। भोजन के साथ साथ व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। क्यों? स्वस्थ रहने के लिए, रोग से बचाव हो, एनर्जी के लिए या फिर ये सभी। तो ये सभी चीज़ें के लिए आवश्यक होता है पौष्टिक भोजन और साथ साथ नियमित व्यायाम। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पानी पीना चाहिए, इसमें से कितना पानी पीना चाहिए? तो हर व्यक्ति को लगभग 800 से 1000 ml पर डे पीना चाहिए।
निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है? मतलब इन चारों में से तीन की जाती है और एक ऐसी है जो जिस इकाई का यूज नहीं किया जाता है। WTU यूज होती है, GTU, FTU ये तीनों पानी के गंदगी को मापने के लिए यूज की जाती है। ATV जो है ATU इसका यूज नहीं किया जाता है। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसका मतलब पूछा गया है फुल नेम, तो इसका यही है राइट आंसर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? तो 30 से 40 mg मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम्स की आवश्यकता होती है। पीने का पानी TDS होना चाहिए, जो पानी हम लोग पीते हैं उसका TDS कितना होना चाहिए? उसका TDS होना चाहिए 50 to 150 मिलीग्राम पर लीटर। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण है तो कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या कैल्शियम, तो आप सबको पता है इसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। FSSAI का पूरा नाम है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल नेम है, पूछा जा सकता है आपसे। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है कितनी बनती है? 900 मिलीग्राम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का, इसमें ये नहीं लिखा कि कितने टाइम में बनती है, पर डे या पर हफ्ते, वीक। अतिसार के रोगी का आहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए? कम रेशायुक्त, ज़्यादा रेशायुक्त, प्रोटीन से भरपूर या फिर वसा में भरपूर? तो कम रेशेयुक्त होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अतिसार जो है पेचिस ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, आत्री जो है आत्री रोग होता है, तो उसमें कम रेशेयुक्त आहार लेना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले के जो इस टॉपिक पर वीडियो मैंने अपलोड किया उसको भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ से भी आपका फ़ायदा होगा, उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इतना तैयार करिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।